तो यहाँ पे हमारे पास सेट बी है। अगर आपका कोई दूसरा सेट है तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस केवल आगे पीछे होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार, जो कि आप लोग के लिए लाया हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो मैथमेटिक्स का फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन हुआ है, पेपर पूछा गया है, उसका एग्जामिनेशन के बाद सोल्यूशन लेके आया हूँ ऑब्जेक्टिव का। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी मैं फटाफट आंसर कर देता हूं, ताकि आप मिला ले कि आपका कितना सही है। फिर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं, डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। कॉसेक थीटा किसके बराबर है? तो 1 बटा साइन थीटा के बराबर है। फिर 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान कितना होगा? यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है, इसका वैल्यू 12 होगा। साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30, और कॉट 30 में देता है √3, तो √3 का स्क्वायर 3 3 3 9 3 12, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसका शून्यक कौन सा है? तो जब मैंने शून्यक निकाला द्विघात बहुपद से, तो मुझे पता चला कि इसका शून्यक जो आएगा वो होगा 3√2 और फिर 2√2, इस तरह से, ठीक है। तो कहीं भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर लंबे जमीन पर पड़ रही, 12 सेंटीमीटर ऊंचे, सेंटीमीटर नहीं मीटर ऊंचे खंभे के जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो इसको जब हम डिवाइड देंगे तो आएगा √3। 10 थीटा का वैल्यू √3, तो यानी कि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आप देखिए कि सी का मान दे दिया है 90, तो ए प्लस बी का मान भी 90 होगा, तो कॉस 90 का मान हो गया 0। बिंदु इतना के बीच की दूरी है, दूरी सूत्र लगाइए, आपको आ जाएगा 4। फिर बेलन और शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे देखिए मैंने फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगाने के बाद पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा के 9:8 आ रहा है। एक शंकु और एक बेलन और एक शंकु के त्रिज्या का अनुपात और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, उनके आयतनों का अनुपात पूछा था, 9:8 इसका आंसर आ रहा है। फिर यहाँ ये 5 संख्याएं दी हुई है, इसका माध्य 6 है, तो एक्स का मान कितना होगा? सबको जोड़ दिया, जोड़ने के बाद बटा में 5 कर दिया, 6 × 5 = 30, इन सबों का जोड़ आ गया 29, 30 में से 29 गया एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें इसका बहुलक क्या है? जिसकी बारंबारता अधिक होती है वो बहुलक होता है, तो 7 7 7 यहाँ पे देखिए 3 बार 7 आया है, तो बहुलक हो गया 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 और 19 के बीच का समांतर माध्य कितना है? जोड़ के 2/2 कर दीजिए, 32/2, 16, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है, तो पी का मान कितना होगा? तो मूल बराबर है, तो b²-4ac 0 के बराबर होगा, यानी p²-4 4 4 16 0 के बराबर, तो p² का वैल्यू 16, 16√+-4, ऑप्शन नंबर बी। ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इसका लासा कितना होगा? दो अभाज्य संख्याओं का लासा इनके गुणनफल के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी क्या है? देखिए कल जो मैंने सेट दिया था उसमें एक क्वेश्चन दिया था, देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया है। मैं कल के एग्जामिनेशन के लिए भी सेट लाऊंगा आप लोगों के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो 15 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसी घनाभ के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो इसका आयतन होगा LBH, ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें मैंने देखिए कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि जैसे ही दोगों का जोड़, कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था कि 90 हो जाए तो इसको आप एक कर दीजिए, तो ये हो गया एक, ये हो गया एक, एक गुना एक, एक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसमें से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो ये देखिए स्क्वायर स्क्वायर, ये तो क्यू है खत्म, इसमें रूट एक्स है, तो ये तो बहुपद ही नहीं हुआ, इसमें एक्स पर पावर 4 हो गया, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण मिल जाएगा। फिर देखिए एक बेलन और शंकु के आधार समान है, ऊंचाई भी समान है, तो उसके आयतनों का अनुपात कितना होगा? फिर मैंने फॉर्मूला लगाया, 3:1 आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एक्स अक्ष पर कौन सा बिंदु है जो इससे समान दूरी पर है? तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर जो बिंदु होनी चाहिए उसका एक्स नियामक होना चाहिए बाई नियामक 0, तो ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों को हम चेक कर लेंगे, ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि एक्स अक्ष पे पूछ रहा है, तो बाई का नियामक 0 होना चाहिए, तो बाई का नियामक केवल इन्हीं दोनों में 0 है, तो जब मैंने सॉल्व किया दूरी सूत्र से तो 2 0 इसका आंसर आया, जिसकी दूरी इन दोनों बिंदुओं से समान है। फिर समबाहु त्रिभुज की भुजा दे दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 × भुजा, तो √3/2 × 12 किया, तो 6√3 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कोई हल ना हो इसके लिए क्या होगा? तो मैंने b1/b2 किया 1/2, और ये बराबर नहीं है 5/k के, या −5/-k भी करते हैं तो −5/, इसको देखिए इस तरह से देख सकते हैं, ये आंसर इसका नहीं होगा, इसका होगा माइनस, एक सेकेंड यहाँ पे रुक जाएंगे, यहाँ पे हो गया देखिए −1/-2, और इसको हम लेंगे −5, और k को हम लोग लेंगे −k, क्योंकि ये इधर है तो इधर आके हो जाएगा −k, ठीक है। तो अब ये डज नॉट इक्वल टू होता है, तो −- कट गया, −- कट गया, तो ठीक है बिल्कुल, k डज नॉट इक्वल टू माइनस, k डज नॉट इक्वल टू +10, एकदम बिल्कुल ठीक है, 22 का सी, क्योंकि k को भी हम यहाँ पे माइनस में लेंगे, ठीक है, तो 22 का सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया, और फिगर बनाने पे भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई है, उन्नयन कोण है 60, तो पतंग के डोरी की ऊंचाई निकालनी थी, sin 60 लगाया, वैल्यू आ गया 200/√3, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर एक स्पर्श रेखा, 2 स्पर्श रेखा खींची गई है, इनके बीच 60 का कोण है। तो एक स्पर्श रेखा का कोण हो गया 30 डिग्री, फिर यहाँ पे मैंने 10 30 लगाया, 10 30 लगाने के बाद हमारा आंसर आ गया 3√3, 10 30 बराबर 3/3 जो हमारा ये पूछ रहा है x, तो 3/x, तो x का वैल्यू हो गया 3/10 10 30, तो 3/10 30 का मतलब हो गया 3√3 ऊपर चला गया, तो 3√3 इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बामन ताज की गड्डी को अच्छी तरह से फेट कर और इससे एक बादशाह निकाला जाता है, तो एक पत्ता खींचा जाता है, तो इसके काला के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है, तो 2 काला और 52 पत्ती, ठीक है, काला 2 और 52 पत्ती, तो 1/26 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें 34 तो पदों की संख्या पूछ रहा है, कुछ नहीं कीजिए, अगर हम 12 पद लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये जो अगर हम 12 पद लेते हैं तो इसमें अंतिमा पद निकालिए -10 और +12 में से एक गया 11 और सार्वनुपात है, सार्वंतर इसका है 4 का, तो 11 44 में से 10 गया 34 ऑप्शन नंबर बी। मैंने बोला था कि ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, 6 और -5 तो एक्स का नियामक 6 हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुपद इतना के शून्यकों का योग कितना है, तो इससे मैंने बहुपद बनाया और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज बराबर -b/a जब लगाया तो --5/2, यानी कि --5/2 का मतलब 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग n(n+1)/2, आगे इसका एक और क्वेश्चन भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें से कौन बहुपद है, तो सब में देखिए यहाँ √x से बहुपद नहीं, x^3/2 1/2 बहुपद नहीं, √√ में बहुपद नहीं, यहाँ पे x पे कहीं भी रूट नहीं है, पूरी पूरी संख्या है, तो ये हो गया बहुपद। एक चर xy कितने अधिकतम हल हो सकते हैं, देखिए अगर 2 चर देता तो इसका डिपेंड करता, लेकिन 2 समीकरण देता तो इसका डिपेंड करता, लेकिन एक ही समीकरण है तो हम अलग अलग मान पुट के इसके पुट करके इसके अनगिनत हल निकाल सकते हैं, 2 देता तो फिर हम चेक करते हैं। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 88 है, तो मान लिया कि एक्सवा पद 88 है, ठीक है, तो x+1वा पद 88 है, ठीक है, मान लिया इसको मैंने, तो प्रथम पद हो गया 1 + x+1वा पद, तो घट के हो गया 1 क्योंकि n-1 होता है, तो घट के हो गया x, सार्वनुपात है, सार्वंतर यहाँ पे 3 का, तो 1 + n-1 हो गया, x+1 को मैंने पद माना है, तो x-n-1 हो गया x गुना 3 = 88, तो ये घट गया 88 में से गया 87, x का वैल्यू हो गया 29, तो लेकिन x+1 मैंने माना था, तो 29 और 31 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों रहा है, ये किस पद में दोनों निगेटिव, तृतीय पद ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 2 cos²60 का मान कितना होगा, cos²60 का मान होता है 1/2, तो cos²60 1/4, 2 × 1/4 1/2। 35 आइए, निम्नलिखित में जो द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल इतना है, तो फॉर्मूला होता है x²-α+β, तो -3 और +α-β, तो -10 के कारण -10 ऑप्शन नंबर सी। कौन सा अभाज्य संख्या है, 23 अभाज्य संख्या, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें देखिए मैंने कुछ नहीं किया, थीटा का वैल्यू 45 डाल दिया, आप इसको पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू मैंने 45 डाला तो 1 1 हो गया 2 और sec 45 का मान हो गया √2, फिर 1 1 हो गया 2 और cosec 45 का मान हो गया √2, a+b (a-b), 2 का² हो गया 4 और √2 का² 2, 4 में से 2 गया 2 ऑप्शन नंबर डी, ये भी मैंने बताया था सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वृत्त की परिधि को बढ़ाकर और 4π कर दिया जाता है, तो यानी कि परिधि का अनुपात कर दिया जाता है 2 गुना, यानी कि त्रिज्या 2 गुनी हो गई, तो जब त्रिज्या 2 गुनी तो क्षेत्रफल 4 गुना ऑप्शन नंबर डी। मूल बिंदु का नियामक कौन सा है, 0 0 मूल बिंदु का नियामक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, x-5 का जो आरेख होगा वो कुछ ऐसा होगा जो कि जाएगा yx के समांतर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कल ही मैंने बताया था कि जब भी दोनों का योग हो जाए 90 तो काट के 1 कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। x²+1/6x-2 के शून्यक होंगे, तो ये इसका शून्यक है, आप शून्यकों का गुणनफल और योगफल करके चेक कर लीजिए, सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, समांतर श्रेणी का 30वां पद कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला निकाला और लगाया और 30वां पद यहाँ पे मैंने निकाला -87 + 10 - 77 ऑप्शन नंबर सी। tan θ = 8/15, तो cosec थीटा का मान क्या होगा, तो पी का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 15, तो एच का वैल्यू 17, cosec थीटा मतलब h/p यानी 17/8 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, अभी मैंने बताया था n(n+1)/2, ये लगा दिया 50 50, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, sin 90 - θ का मान होगा cos θ,
सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा परिमेय संख्या, ये परिमेय है, रूट थ्री, रूट थ्री कट जाएगा, टू बचेगा जो कि एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेक थीटा का वैल्यू है 13/12 तो कॉट थीटा का वैल्यू होगा, तो एच का वैल्यू 13, बी का वैल्यू 12 तो पी का वैल्यू हो गया 5, पाइथागोरस प्रमेय से तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बटा पी यानी कि 12/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कौन सा होगा, तो कल भी देखिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन दिया था, -3 और +3 हो गया 0/0 और 8/4 12/2 6, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 स्पर्श रेखाएं 64 π cm². देखिए सेम क्वेश्चन मैंने दिया था, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, कल ही मैंने ये क्वेश्चन दिया था, आर का वैल्यू 8 आएगा और व्यास हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि डी बराबर है क्यू के, ठीक है, और आर बराबर है ई के, तो कौन बच गया, इधर एफ बच गया, इधर पी बच गया, तो एफ बराबर होगा पी के। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, रैखिक समीकरण युग्म इतना का कोई हल नहीं है क्योंकि 2/4 1/2 3/6 1/2 लेकिन 5/15 1/3, तो C1/C2 बराबर नहीं है, कोई हल नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, इसका मासा, तो सबसे पहले इसका मासा निकाल लीजिए 13। अब यहाँ पे देखिए 65 m - 117 का वैल्यू हो गया 13, तो ये दोनों उधर जाके जुड़ गया, तो 65 m का वैल्यू 130, तो m का वैल्यू हो गया 130/65 यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसका लासा और मासा का अनुपात कितना है, लासा इसका हो गया 20, मासा इसका हो गया 2, अनुपात हो गया 10/1 यानी 10:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, प्रायिकता कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, अभाज्य संख्या है 2, इसका मासा होगा 2, ऑप्शन नंबर बी। एक धातु यहाँ पे देखिए मैंने इसको बना के रखा है 25/π इसका आंसर आया है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और इसको देख लीजिए, अगर आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं आपको बताऊंगा इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन इवनिंग तक। 1 + tan²θ sec²θ के बराबर होता है, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, कल भी मैंने बताया था कि भुजा का अनुपात जो होता है जो परिमाप के अनुपात के बराबर होता है, तो 3:4 कुछ भी नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल पूछता तो 9:16 होता लेकिन परिमाप पूछा तो 3:4। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोग के लिए बेहतर साबित हो, अभी रुकिए, अगर आपको इसके सब्जेक्टिव पोर्शन के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आएं, और अभी तक अगर आपने CWH ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जय हिंद।